आपको टिकट लिया हूँ, इन्होंने मुझे 1 वीक का बोला 1,50,000, बट मैंने एक रिटर्न लिया तो मैंने नेगोशिएट करके कुछ कुछ होता है 600 रुपये में इतना मस्त जगह भाई, सच में बहुत सस्ता है इंडोनेशिया। No girlfriend, also she doesn't like tattoo. I will come back, okay? तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज जो है मंडे है और डेट है आपको लगभग 25 जुलाई। हाँ, 2 दिन पूरा बाली एक्सप्लोर करने के बाद जो है मैं एक आइलैंड जा रहा हूँ, नूसा पनीदा। बहुत ही नाम सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस आइलैंड है। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। वहाँ जाने के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा सानूर, जो कि यहाँ से आधा घंटा होगा। मैं ग्रैब बुक करता हूँ, ग्रैब बाइक राइड, और वहाँ से मुझे फेरी लेकर चलना पड़ेगा। तो फेरी में कितना टाइम लगेगा और फेरी का सफ़र कैसा होगा, कितना फ़ी है, वो सब चल कर देखते हैं वहाँ और निकलते हैं। फिलहाल तो नतालिया के घर से मैं निकल रहा हूँ, वो अभी स्कूल गई है एलेक्सा को लेकर, और चलते हैं यहाँ से। हाफ एन आवर होगा सानूर। काफ़ी अच्छा लगा इनके घर आना। मैं अपना एक बैग जो है यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं बस ये बैग लेकर जा रहा हूँ। और मैं जब वापस जाने लगूँगा जकार्ता, तो यहाँ से मैं आकर शायद एक दिन रुक कर बैग लेकर जाऊँगा। तो बाय 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 बाय। I'm going. देखो जान ही नहीं आ जाता। चलो बाय। भाई मैं पहुंच चुका हूँ सानूर, और यहाँ पे जो बाहर है बहुत सारे एजेंट रहेंगे जो आपको फेयर के लिए बोलेंगे, बहुत सारे रेट बोलेंगे, वो अलग अलग एक्चुअल रेट के आपको पता ही नहीं चलेगा। तो या तो आप नेगोशिएट करो, या तो फिर ऑफिस में जाकर, इनका अलग अलग प्राइवेट फेरी का ऑफिस है, वहाँ जाकर आप पता करो और वहाँ से फेरी के टिकट आप ले सकते हो। फिलहाल मैं कुछ खा लेता हूँ। ये देखो, ये मैं इंडोनेशियन फूड खा रहा हूँ, ये फिश फ्राई है और ये राइस है, राइस को यहाँ पर नासी बोलते हैं, और ये है ब्लैक टी और इसमें शुगर अलग से दिया है। तो मुझे जो है ऐसे शुगर को जो है इसमें मिलाना है, इसको मिला कर जो है अच्छे से चम्मच से फिर पीना है। इंडोनेशियन फूड की बात करें तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब बहुत वैरायटी नहीं है, लेकिन जो भी है मैं राइस से रिलेटेड चूज़ करता हूँ। और यहाँ का जो सबसे फेमस है वो है नासी गोरेंग, उसमें जो आपको राइस के साथ जो है चिकन फ्राई मिलता है और सैलड्स मिलता है, तो मोस्टली मैं वही खाता हूँ। और आज मैं पहली बार यहाँ पर फिश ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर समंदर का जो है फ्रेश फिश है, तो देखने कैसा लगता है। और इसका प्राइस जो है फिश का 24,000 है और इसका 7,000, तो 31,000 हो गया, तो लगभग 150 रुपये से भी कम हुआ। तो जब आप ऐसे नॉर्मल खाते हो, किसी भी छोटे से शॉप में खाते हो इंडोनेशियन फूड, तो आपको वही कोई भी चीज़ का 15,000 से 20,000 लगता है, या 30,000 मैक्सिमम तक जाता है। और अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर ऐसे नॉर्मल खाओगे, तो कोई भी चीज़, जब सपोज एक बर्गर भी खाते हो अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे कैफ़े में, तो 80,000, 100,000 ऐसे स्टार्ट होता है। तो अगर आप सस्ते में खाना चाहते हो, तो आप इंडोनेशियन फूड ट्राई कर सकते हो, आपका बजट में काम हो जाएगा। मुकेश कुमार, यस, सो रिटर्न टिकट इज वैलिड फॉर एनी डे एनी टाइम, यस एनी डे, बट वन डे बिफोर एट लीस्ट। यू वांट टू कम बैक टुमारो? डे आफ्टर टुमारो, या ऑल डे आफ्टर टुमारो, ओके, वन डे बिफोर प्लीज व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर, दैट नंबर, या सो। एंड व्हाट इज द रिटर्निंग पॉइंट फ्रॉम वेयर? बंजार न्यू हार्बर, इट इज स्टॉप एट बंजार न्यू हार्बर, okay, and coming back again at the same harbor, yeah, 30 or 15 minutes before departure must be there, yeah, and this for any question, any problem. Okay, fantastic. Cool. तो ये टिकट ऑफिस है, आप देखो यहाँ पे जो है बोर्ड है सामने,
मैं यहाँ पर टिकट लिया हूँ। इन्होंने मुझे वन वे का बोला 1,50,000, बट मैंने एक रिटर्न लिया तो मैंने नेगोशिएट करके 2,50,000 में बुक किया हूँ। और रिटर्न टिकट की अच्छी बात यह है कि आप किसी भी दिन किसी भी टाइम में रिटर्न हो सकते हो, जरूरी नहीं कि यही टाइम में है। टिकट इज़ वैलिड फॉर ऑल द टाइम फॉर एनी डे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि दो दिन बुक कराऊँ, देखता हूँ कैसा जाता है, और व्हाट्सएप कर देना इनको रिटर्न आने से पहले। तो बस यही आपको बताना चाहते थे। तो ये स्पीड बोट है, बड़ा वाला फेरी नहीं है। बड़ा वाला फेरी इस पोर्ट से नहीं चलती, कोई दूसरे पोर्ट से चलती है। तो वहाँ पे आपको कम में हो जाएगा, शायद 1,00,000 में हो जाएगा या उससे भी कम में हो सकता है। लेकिन ये बोट जो है सिर्फ 45 मिनट्स लगेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम जो है सी में स्पेंड करूँ, क्योंकि सी सिकनेस भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इस बोट से निकलता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। आप इस तरफ भी आओगे तो देखो यहाँ भी बहुत सारा टिकट काउंटर है। ये सारे प्राइवेट एजेंसीज है जिनका कि यहाँ से चलता है बोट। ये देखो इस तरह का बोट है, बहुत सारा लगा हुआ है। और अभी 25 मिनट्स है मेरे पास जाने के लिए। वो मैम जो है वो गई है वहाँ पर इन्फॉर्म करने के लिए। उन्हीं का काउंटर है यहाँ पर भी, और उन्हीं का ऑफिस वहाँ पर भी था। तो मैं यहाँ वेट करता हूँ थोड़ा। Boarding today. Oh, okay, nice. Fantastic. Same like your name of the boat, yeah? Yeah, please use sure. This. Sure. And for ticket one way today. Okay, just thank wait around here. You have 20 minutes. Just wait here. The staff will see you. Please always use the boarding, yeah? Yeah, sure. Okay, that's the boat. You can see if the passenger already go to the boat, you can go at 10. Yeah? Sure, sure. Thank you. Thank have you so day. Much. Namaste. Thank you. ऐसे उठा के चढ़ा रहे हैं। हाँ भाई चलो, ये बोट के अंदर का सीन देख लो। बस की तरह सीट है, 3x3, या यूं को तो फ्लाइट की तरह है 3x3। तो आगे का सीट लेता हूँ। पदीना आइलैंड, और मैं यहाँ पर स्कूटर रेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर 75,000 वन डे का बोल रही है, मतलब अभी लिया, अभी सुबह के 11 बज रहे लगभग, शाम तक लौटाना पड़ेगा। और दो दिन का 1,50,000 बोल रही है। अगर मैं रेंट भी करूँ यहाँ गाड़ी तो मुझे 30,000-40,000 हमेशा पे करना पड़ेगा। अगर मैं एक दो जगह जाता भी हूँ तो मिला जुला कर वही प्राइस पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज और कल के लिए रेंट कर लेते हैं, पूरा आइलैंड मस्त में घूमेंगे। तो देखते हैं कुछ डिस्काउंट अगर देती है तो। और आज मैंने होटल बुक नहीं किया, एक्चुअली मैं booking.com से बुक कर रहा था, तो पेमेंट कुछ वजह से जो है मेरा डेबिट कार्ड से हो नहीं रहा, तो मैं कर नहीं पाया। और फ्री बुकिंग का मुझे कुछ मिला नहीं, खास करके इस आइलैंड के लिए। वैसे तो आपको बाली में फ्री बुकिंग मिल जाती है बिना पेमेंट किया booking.com से बुक कर, लेकिन यहाँ नहीं मिला। तो मैं कुछ हॉस्टल मार करके रखा हूँ, होटल है बंगला जैसा, रिजॉर्ट है, देखते हैं यहाँ पर सस्ते में अवेलेबल है तो जाकर वहीं डायरेक्ट मैं बुक करूँगा। Hi. Namaste. Hi, my name is Witu from Nusa Penida. Thank you so much for coming, my family. Thank you. Yes. So, यहाँ पर ये मिल गए मुझे, और इनके पास गेस्ट हाउस है, द बनाना हाउस करके। yes, तो फिलहाल मैं इनके पास जा रहा हूँ। The same, yeah, your skin the same like me. Yeah. I'm from Bali, from India, and then Hindu, ये Buddha rule. Thank you so much. Namaste, अच्छा है यार। कुछ हो चाहे, तो जाते हैं इनका गेस्ट हाउस, और अच्छा डील मिल गया मुझे। तो मैं आपको चल कर दिखाता हूँ और बताता हूँ कितना पे कर रहा हूँ और कैसा प्रॉपर्टी। थैंक यू बनाना हाउस फॉर कमिंग टू नुसा पेनिडा। हैप्पी या हैप्पी नंबर वन फॉर बाय। सो ये इनका बनाना हाउस है, ये देखो मस्त गार्डन यहाँ बना हुआ है सामने से। यहाँ मैंने अपना स्कूटर पार्क कर दिया है, और यहाँ पर इस तरह से इनका कॉटेज बना हुआ है।
और अंदर से भी दिखाता हूँ आपको, मस्त बंदा था, हमने बहुत सारी बातें की, इन्होंने भी अपना टैटू दिखाया, हमने भी अपना टैटू दिखाया, ये भी हिंदू कट को फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा मैं समझ रहा था एक्चुअली बाली में और इंडोनेशिया में लोग कैसे मानते हैं कि, ये देखो ये रूम है ना, अच्छा मस्त, लाइट किधर है भाई, यस चलो इधर से भी ऑन हो गया, इधर से भी ऑन हो गया। अब ये पेंटिंग जो आप देख रहे हो ना, ये फोटो एक्चुअली ये इन्हीं भाई साहब का है, इन्होंने बोला कि मेरा ही शादी का फोटो है और मैं देखो फोटोशॉप करके मुझे वाइट बना दिया। इधर भी तो हिंदू परंपरा के अनुसार इनकी शादी का जो ड्रेस होता है वो ऐसा होता है, हाथ में तलवार है और मैडम के हाथ में जो वो चाइना वाला फैन होता है ना वही है। तो ये रूम है, देखो बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छा है। पीछे एक पुराना बालिनीज ट्राइब्स का जो है पेंटिंग लगा हुआ है। एयर कंडीशन है, गीजर है, बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, लंबा चौड़ा है, एकदम नीट एंड क्लीन जैसा मैं चाहता था, और टीवी भी है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि किचन है इनके पास, तो इन्होंने बोला कि आप किचन में बना सकते हो आपको जो भी चाहे मन हो, और ड्रिंकिंग वाटर भी फ्री है तो मुझे बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। चलो आपको किचन दिखा देता हूँ, देखो बर्तन सब है इधर, ये किचन है और इसमें पानी है, मैं फील कर सकता हूँ, मस्त गार्डन है। तो ये रूम का इन्होंने बोला था 160,000 पहले, फिर मैंने इनको निगोशिएट करके 120,000 में बना लिया, तो 240,000 मतलब 240,000 रुपये में दो नाइट के लिए मैंने बुक किया है यहाँ पर। आपको बिलीव होगा लगभग, मतलब लगभग 600 रुपये पर नाइट का पड़ रहा है, 600 रुपये में इतना मस्त जगह, इतना अच्छा लोकेशन व्यू के साथ, इतना अच्छा गार्डन, मतलब भाई सच में बहुत सस्ता है इंडोनेशिया अकोमोडेशन के मामले में एटलीस्ट। और बस, और जानते हो स्कूटर के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही दे देते हैं, जानते हैं कहाँ जाएंगे आइलैंड छोड़ के। तो चलो मैं फ़िलहाल फ्रेश होता हूँ और मैं अपना टूर स्टार्ट करूँगा, फिर ब्लॉग में दिखाता हूँ आपको। तो गाइज वेलकम टू द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन ऑफ इंडोनेशिया, बाली एंड नुसा फलिंग। ये देखो नीचे जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और बाकी मैं आपको नीचे से ही दिखाऊंगा। ओके, ये देखो मंकी ने भी आतंक मचा रखा है।